शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। दौसा के सिकराय में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। विधायक विक्रम मंजरीवाल ने कार्यक्रम में 55 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में अयोध्या राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर लौटने पर महंत प्रकाशदास महाराज को कस्बेवासियों की ओर से फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के राजगढ़ में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह प्रताप स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सीमा घेतान ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली और समारोह में 25 लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दौसा के महवा में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय टीकाराम पालीवाल उच्च माध्यमिक स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधायक ने ध्वजारोहण किया और दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। जिला में सेशन न्यायालय महानगर प्रथम नंदिनी व्यास ने ग्रेटर नगर निगम के वार्ड संख्या 102 के पार्षद के निर्वाचन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं फैसले में कहा है कि मतदान केंद्र बनाने में निर्वाचन अधिकारी ने कोई अनियमितता की है तो इसके लिए शिकायत या परिवाद पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रत्याशियों को दंडित नहीं किया जा सकता। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने से सड़कों पर विजिबिलिटी महज 20 मीटर से भी कम बनी हुई है, जिसको कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर के चुमू में उपखंड स्तरीय 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में एसडीएम ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में विधायक एसडीएम और नगर आयुक्त ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने दो शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में बाइक चोरी सहित आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से दोनों आरोपियों को पीसी रिमांड पर लिया गया है। जयपुर में शादी को विच्छेद करवाने के लिए कनाडा में रह रहे पति पत्नी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के लिए फैमिली कोर्ट सांगानेर से तलाक लिया गया है। और वहीं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झुंझुनू में प्रेम विवाह करने गए सीकर के युवक का कुछ युवकों ने गाजियाबाद में अपहरण कर लिया था। युवक की प्रेमिका ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन आरोपी वहां से भागने में सफल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर नाकाबंदी के दौरान जिस युवक का अपहरण हुआ था उसे मुक्त करवा लिया है और 5 अपहरणकर्ताओं को दस्तयाब किया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर झुंझुनू के उपभोक्ता आयोग ने झंडारोहण किया गया है। वहीं आयोग अध्यक्ष मनोज बील और सदस्य नीतू सैनी ने झंडारोहण कर उपभोक्ताओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मनोज बील ने उपभोक्ताओं से अपने हितों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। चुरू में भाजयुमो की ओर से नई सड़क पर आयोजित नमो नव मतदाता वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत में 5000 स्थानों पर नव मतदाताओं से वर्चुअली संवाद किया। कार्यक्रम प्रारंभ से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिशंकर जी भाभड़ा के निधन पर मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नीमका थाना में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम नेहरू पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने झंडारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्चपास्ट की सलामी ली। इस दौरान कई विभागों की ओर से झांकियां सजाई गई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। चुरू के सरदार शहर के गांव मेलूसर में हत्या के आरोपी को मृतक के परिजन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मृतक के पिता न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जैसलमेर के फलसूर में मकान में आग लगने से मकान में रखा खाने पीने का सामान बिस्तर आभूषण सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों और महिलाओं ने रेत के साथ पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही फलसूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जानकारी ली गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में गाय को बचाने के चक्कर में क्रेटा कार असंतुलित होकर पलट गई। कार पलटने से कार में सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं मृतक के शव को अस्पताल में ले जाकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
जैसलमेर के फलसुंड में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सरपंच वीडियो ने ध्वजारोहण किया और खेल मैदान में परेड की सलामी ली। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। फलौदी में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नगर परिषद टाउन हॉल में शिक्षा विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद सभापति, जिला कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सभापति व्यास, जिला कलेक्टर अजल एवं पुलिस अधीक्षक मीणा ने कलाकारों को सम्मानित किया और प्रोत्साहित किया। फलौदी के उपजिला कलेक्टर अर्चना व्यास ने उपकारगृह पर झंडारोहण किया और बंदियों को मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान समस्त स्टाफ, तहसीलदार और सहायक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर के पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी महाराज ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित उपकरण स्तरीय समारोह में शिरकत की। समारोह में देश व प्रदेश वासियों की ओर शुभकामनाएं दी गई और इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। 75वां गणतंत्र दिवस फलौदी में धूमधाम के साथ मनाया गया। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर ने राष्ट्र ध्वजा फहराया, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय सुव्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाने सहित 29 जनों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर के रामदेवरम में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया, जहां सभी विद्यालयों का सामूहिक मार्च पास्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में भीषण ठंड और कोहरे के बीच नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर के भड़ियाणा में धर्मासर गांव में घर में भीषण आग लग गई, जिससे मकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर को आग के आगोश में देखकर महिलाएं बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेते हैं खपरा तहसील री और नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। सिरोही के माउंट आबू में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के सबसे ऊंचा तिरंगा 4104 फीट की ऊंचाई पर बड़े ही शान के साथ फहराया गया, जहां पर उपखंड अधिकारी ने ध्वजारोहण कर और स्कूली बच्चों से मार्च पास कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पाली के देसुर में वन अधिकारी किशन सिंह को वन संपदा बचाव को लेकर सराहनीय कार्य करने पर वन विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न अधिकारियों ने किशन सिंह को बधाई दी। सिरोही के बारीघाट हनुमान मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर पलटने के बाद ट्रेलर का ड्राइवर कैबिन में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। पुलिस ने गंभीर घायल ड्राइवर को एक स्वाट एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पाली के देसुरी में 75वां गणतंत्र दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें ध्वजारोहण के साथ ही छात्राओं ने परेड निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पाली की देसुरी में 75वां गणतंत्र दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित हुआ, जहां तहसीलदार ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। 75वें गणतंत्र दिवस पर पाली कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर एसडीएम डॉ राजेश गोयल, जिला परिषद सीईओ दीप्ति शर्मा सहित अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। तो वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम बागड़ स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें 79 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। और चलिए अब रुख करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सादुलशहर पुलिस थाने में थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया, वहीं पुलिस के जवानों ने सलामी दी। श्रीगंगानगर के गोदारा गर्ल्स कॉलेज में जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट के साथ ही घना कोहरा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ठाकुर जी मंदिर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने में दिन रात मेहनत करने वाले 18 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मैदान में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर अंशदीप ने ध्वजारोहण किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील रीरा और नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद भौरा ने गणतंत्र दिवस 2024 के जिला स्तरीय समारोह में राजकीय महाविद्यालय में ध्वजारोहण किया और उसके बाद परेड का निरीक्षण कर मार्च पास की सलामी ली गई। इस मौके पर विधायक लालाराम बैरवा, सभापति रघुनंदन सोनी, प्रधान माया जाट, एसपी विनोद बंसल और एडीजीएस सुनील ओझा भी मौजूद रहे। नागौर के रियाबड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपखंड स्तरीय समारोह सीनियर स्कूल में मनाया गया। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने ध्वजारोहण किया, वहीं परेड का निरीक्षण कर मार्च पास की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के सावर में 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर खाटूश्याम मंदिर में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान श्याम भक्तों ने खाटूश्याम मंदिर को तिरंगे के झंडों से सजाया, वहीं खाटूश्याम प्रतिमा को भी तिरंगे झंडे से पोशाक पहनाई गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के रूपनगढ़ में स्कूल के खेल मैदान में सामूहिक रूप से हर्षोल्लास व उत्साह के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें नगर के सभी स्कूलों के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। समारोह में एसडीएम ने ध्वजारोहण कर मार्च पास की सलामी ली। अजमेर के नसीराबाद के मिशन ग्राउंड में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नसीराबाद के निजी और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही उपखंड स्तर पर विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी संस्थाओं के उत्कृष्ट कार्य करने पर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डिडवाना जिला मुख्यालय पर बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग प्रकार की झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। टोंक में जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस कमेटी कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया गया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन के सुभाष स्टेडियम में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में उपखंड अधिकारी ने ध्वजारोहण किया। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झालावाड़ के बगानी में बड़े हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद में पंचायत समिति प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। विभिन्न समारोह में कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कोटा के इटावा में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का स्टेडियम प्रांगण में आयोजन हुआ, जहां एसडीएम नीता वसीता ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास की सलामी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पर्व को लेकर विद्यार्थियों ने मार्च पास किया। बारह में गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के आराध्य देव कल्याण राय जी मंदिर में सूर्यमुखी बाल हनुमान का पुजारी आदित्य शर्मा ने तिरंगे रंग में विशेष श्रृंगार किया, जिसकी शहर में काफी चर्चा हुई और साथ ही साथ दर्शन के बाद दर्शनार्थियों में भी सराहना की गई। झालावाड़ के देवनगर स्कूल में गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। प्रधानाचार्य की कार्यशैली को ग्रामीणों ने खासी नाराजगी दिखाई, जिस पर परेशान ग्रामीणों ने तालाबंदी कर रोष जताया। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ौली ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। जिला परिषद कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान संबंधित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी को मिठाई वितरित कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी में रखवाया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में विधायक गोपाल खंडेलवाल और एसडीएम ने ध्वजारोहण किया, वहीं समारोह में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। उपखंड स्तर पर लगभग 30 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सलुम्बर में गणतंत्र दिवस उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने की। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने जिले का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
राजसमंद के नादवारे की नमाना पंचायत में खेत में लगे जाल में पैंथर फंस गया। इसकी सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ लेकर आ गई, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में गणतंत्र दिवस समारोह एसडीएम ने ध्वजारोहण कर परेड सलामी ली। समारोह में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए 59 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा स्कूल के खेल मैदान में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब रुख करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा के गढ़ी में गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक कैलाश मीणा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम ने की। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा के घाटोल खेल स्टेडियम में उपखंड स्तरीय 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम ने पुलिस जवानों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद अतिथियों में परेड का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में समस्त निजी व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति पर गाने प्रस्तुत किए। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन गणतंत्र दिवस के मौके पर एसपी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने पुलिस के जवानों और अधिकारियों को मिठाई खिलाकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी प्रदान की। इसके साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। बांसवाड़ा के घाटोल में सर्व समाज की ओर से पद्मनाभ स्वामी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ शिखर स्थापना, भगवान स्वामी की मूर्ति स्थापना, गरुड़ स्थापना, ध्वज दंड, तीर्थ स्तंभ, राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके बाद महाआरती व प्रसादी का वितरण हुआ। डूंगरपुर के चौरासी में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय ध्वजारोहण समारोह कस्बे के विनोबा भावे खेल मैदान में आयोजित हुआ। समारोह में तहसीलदार प्रधान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं समारोह में बच्चों ने देश भावना के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर के धम्बोला में अलसुबह पैंथर मवेशी घर में घुस गया, जहां उसने दो बकरियों को अपना शिकार बनाया। लोगों के चिल्लाने के बाद पैंथर खेतों की तरफ भाग गया। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत नगर परिषद में सभापति राम कन्या गुर्जर ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान उपस्थित जन समुदाय के भारत माता की जयकारे लगाए गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में उपखंड कार्यालय पर एसडीएम ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब रुख करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर के सेपो में 75वें गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के फील्ड पर आयोजित उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस बीच विद्यार्थियों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। धौलपुर के प्रसिद्ध बिलैया खेड़ा हनुमान मंदिर पर शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर पुजारी सुरेश वन के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में पंडित बनवारी लाल शास्त्री ने विधि विधान से शिव परिवार की समस्त अलग अलग मूर्तियों की स्थापना कराई। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने सामूहिक कार्य की काफी सराहना की। भरतपुर के वैर सहित ग्रामीण अंचल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह घने कोहरे के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड सुरेंद्र सिंह आर्य ने ध्वजारोहण किया। वहीं ननिहालों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा शारीरिक व्यायाम के अनोखे करतब की प्रस्तुतियां की गई। धौलपुर के मांगरोल में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की सूचना पर शव मोर्चे में रखवा दिया गया, जिस पर पुलिस के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। करौली के जोड़ा भीम में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के साथ सरकारी कार्यालयों में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही एसडीएम ने ध्वजारोहण कर मार्च पास की सलामी ली। इस दौरान पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीना, पालिका अध्यक्ष अमृता मीना, पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह मीना कार्यक्रम में मौजूद रहे। करौली के चोडा भीम के भोपुर बहादुरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम मेहर ने शिरकत की। वहीं ग्रामीणों ने विधायक मीणा का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे।